पांडे जिनको निलंबित कर दिया गया है। विनय पांडे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। विनय पांडे माध्यमिक शिक्षा के सबसे दागी अफसर। विनय पांडे हर हुकूमत में सबके चहेते रहे हैं। वैचारिक मामले में लपेटे में आए हैं ये और शिक्षा विभाग में विनय पांडे की छवि कुख्यात है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे को निलंबित किया गया। हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, परिचालिक मामले में भी कहा जा रहा है कि संलिप्त तो उसकी वजह से लपेटे में ले लिए गए हैं और भ्रष्टाचार की भी इन पर आरोप है। निलंबन की कार्रवाई हुई किन किन आरोपों को देखते हुए? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, विनय पांडे को लेकर के शासन ने स्पष्ट कह दिया था कि जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना है। बलिया में जो किरकिरी हुई सरकार की पेपर लीक कांड में, जहां पर 24 जिलों में पेपर लीक हो गया, उसके बाद से विनय पांडे हाशिए पे थे। उनको पहले हटाया गया डायरेक्टर के पद से और उसके बाद प्राइमा फेसाई जो इंक्वायरी हुई है उसमें वो सीधे तौर पर दोषी पाए गए हैं और इसीलिए उनको अब निलंबित करके विभागीय कार्यवाही उनके ऊपर बैठा दी गई है। विनय पांडे एक बार और सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोबारा आदेश ला करके वो सेवा में बहाल होते हैं और पिछली सरकार में उनको माध्यमिक शिक्षा निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया था। जब तक कोई पेपर लीक जैसी बात नहीं हुई उन्होंने विभाग में अपनी सेवाएं दी, लेकिन पेपर लीक कांड एक बड़ा सब्जेक्ट था, एक ऐसा विषय बना जिस पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस के साथ कार्यवाही की है और इसीलिए पहले उनको पद से हटाया और उसके बाद अब निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सजा निदेशक विनय पांडे को निलंबित कर दिया गया है। पेपर लीक मामले में देखिए इन पर आरोप तमाम लगे और उसके बाद भ्रष्टाचार बताए जाते रहे हैं विनय पांडे। अगली खबर भी लखनऊ से। नवनिर्वाचित एमएलसी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह।